नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले पॉइंट की सेटिंग के ऊपर। एक्चुअल में काफ़ी टाइम से मैं एक प्लान कर रहा था कि लोगों को समझा सकूँ कि पॉइंट की सेटिंग कैसे करते हैं, या काफ़ी जो नए मैकेनिक या कुछ कह सकते हैं कि किसी को पॉइंट की सेटिंग नहीं आती है, वो कैसे पॉइंट की सेटिंग कर सकता है और क्या तरीका होता है जो गाड़ी बैक मारती है, वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं गाड़ी बैक ना मारे, या काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हर एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं डिटेल में अच्छे से मैं आज आपको समझा पाता हूँ या नहीं, और क्या आपकी समस्या का समाधान निकलेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ गाड़ी की स्टार्टिंग की, अभी फ़िलहाल कैसी स्टार्टिंग है, और थोड़ा सेटिंग बिगाड़ ख़राब करेंगे और देखेंगे गाड़ी बैक मारती है, और फिर हम देखेंगे कैसे उसको ठीक करते हैं, और आपकी जो समस्या है और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे हम शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ अभी गाड़ी की स्टार्टिंग कैसी है। अभी फिलहाल गाड़ी की स्टार्टिंग ऐसी थी, सिर्फ किक के ऊपर पैर रखते हो और गाड़ी स्टार्ट रहती है, और हर बंदा यही चाहता है कि उसकी गाड़ी ऐसी हो, सिर्फ गाड़ी की किक के ऊपर पैर रखा है और गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पर ऐसा करना ठीक रहता है या नहीं। सबसे पहले मैं पॉइंट खोल के दिखाता हूँ अभी फिलहाल पॉइंट की सेटिंग कैसी है, जरा नज़दीक आएंगे एक बार मैं दिखाता हूँ पॉइंट की सेटिंग करने से पहले क्या करना होता है। देखिए यहाँ पर हमें ये स्विच ऑन करना है, और जैसे स्विच ऑन करेंगे और किक का हल्का सा किक के ऊपर पैर रखेंगे, यहाँ माइनस में जाएगा ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इसको लेवल में लेकर आना है, बिल्कुल बीच में, बहुत बारीक से हल्की सी, समझे पिस्टन टॉप कर रहे हैं, और जैसे पिस्टन टॉप होगा और ये सुई यहाँ पे लेवल में आ जाएगी। अब इसके बाद हमें पॉइंट कवर ठीक है, पॉइंट कवर खोल लेते हैं। पॉइंट कवर खोलने के लिए दो पेच लगे रहते हैं पॉइंट कवर में, और जो मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ आज करके, ये सिर्फ पॉइंट वाली गाड़ी में ही सेट किया जाता है। और एक बार हम बीदर पाइप को भी खोल देंगे, क्योंकि इसकी वजह से शायद हो सकता है आपको अच्छे से दिखे ना और दिक्कत आ सकती है। ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है, और अब हम देखेंगे कि कैसे हम वो चीज़ आपको समझा सकते हैं जिसके बाद आपको कोई ये नहीं कह सकता कि भैया पॉइंट सेट करना मुझे नहीं आता। ठीक है, फिलहाल सेटिंग ये है, एक बार मैं कैमरे को स्टेबल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको विस्तार से डिटेल में समझाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि पॉइंट एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये है गवर्नर, इसके अंदर होता है, ये कंडेंसर है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट के अंदर वाला पॉइंट का हिस्सा है, ये बाहर वाला है। ठीक है, यहाँ से राउंड लेके ये वायर से गया, और ये हमारा कंडेंसर आके इसके साथ टच हो गया है। ठीक है, तो ये हिस्सा हो गया पॉइंट का पूरा कंप्लीट। ठीक है, और अब हमें सेटिंग करनी होती है कि गाड़ी बैक मार रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, तो इस जगह पे एक कट लगा है। अगर आप यहाँ गौर से इसको देखें, ध्यान से देखें गौर से, तो यहाँ पे अंडाकार शेप होता है इसका। अब जैसे ही हम किक मारेंगे और जो टॉप पड़ता है, इस जगह पर टॉप आता है, उस जगह पे पिस्टन टॉप हो रहा होता है, और वहीं पे ये टॉप आता है। दोनों की सेम सेटिंग होने की वजह से फायर होता है जब ये इसके ऊपर टच होकर खुलता है। ठीक है, तो फायर होता है, और जैसे ही फायर हमारा लीड कॉइल में स्पार्क प्लग के पास जाता है, तो जिस टाइम खुलता है उसी टाइम पे लीड कॉइल में स्पार्क प्लग में फायर होता है और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब पिस्टन अगर थोड़ा सा नीचे की साइड में रह जाए, पिस्टन अगर नीचे रह गया और पॉइंट यहाँ पे फायर हो गया, तो गाड़ी हमारी बैक मार जाती है। अब वो कैसे होगा, जब मैं पॉइंट को एंटी क्लॉक घुमा दूंगा उस समय। एक बार मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट को पीछे कर देता हूँ, मतलब जब मैं क्लॉक वाइज घुमा दूंगा इसको, तो ये हो जाएगी एडवांस। एडवांस होने पर गाड़ी बैक मारती है, और रिटायर मीन्स मतलब पॉइंट आगे की साइड में चले गया। चलिए एडवांस रिटायर नहीं, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ एडवांस रिटायर क्या होता है, वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, मैं दिखाता हूँ कि किस जगह पे गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक रहती है। वो चीज़ सबसे मेन नहीं है, एडवांस हो गई रिटायर हो गई, वो चीज़ क्या समझ में नहीं आती है। अब सबसे पहले ये बोल्ट को ढीला करना है, ये वाले को,
ठीक है, और इसको ढीला कर देता हूँ, और अभी मैं सेटिंग कर देता हूँ पीछे की साइड में जहाँ पे गाड़ी हमारी बैक मारती है, और देखते हैं कि गाड़ी बैक मारती है या नहीं मारती है। और एक को इसको हल्का सा टाइट कर देते हैं, ठीक है, और अब हम देखेंगे गाड़ी बैक मारती है या नहीं मारती है। अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, बट यार गाड़ी की कूलिंग जो पावर होती है वो चीज़ ख़त्म हो गई है। क्यों कि जो पिस्टन टॉप पहुंचता है, जैसे पहुंच रहा है उसके बाद में जाके, जैसे पिस्टन टॉप पहुंच जा रहा है उसके बाद जाके फायर हो रहा है, तो जितने भी गैस वहाँ बन रही है वो सब लीक हो जा रही है, इसलिए वो पावर नहीं बन पा रही। अब हम पॉइंट की आगे की दिशा में रखता हूँ और फिर देखते हैं क्या होगा। तो अब हम देखते हैं पॉइंट को इधर की साइड करके, अभी हमने अगर आगे की दिशा में, अब पीछे की दिशा में करते हैं। और अब हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है, अभी तो सिर्फ हम इसको छेड़ लें, फिर बाकी अभी और चीज़ें भी देखेंगे। अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। आप देख रहे हैं कि गाड़ी कितनी अच्छी स्टार्ट हो रही है, फायर भी मार रही है, मतलब कि अब पिकअप दिखा रही है कि हाँ मैं ताकतवर हूँ, तो ये चीज़ दिखा रही है। अब मैं दिखाता हूँ गाड़ी बैक कैसे मारती है और क्या करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी जब हमारी बैक मारती है, अब मतलब बहुत ज़्यादा घुटती है, दम घुटता है ना गाड़ी का, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर आप ये एक अंडाकार आकार देख सकते हैं, इस जगह पे कट लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर ये पॉइंट हमारा, ये जो टॉप है पॉइंट का, वो अगर अंडाकार से पीछे की साइड में रहता है जहाँ पर कट है उधर साइड में रहता है, तो गाड़ी का दम घुटेगा बहुत ज़्यादा। अगर पॉइंट इधर की साइड में ज़्यादा आ गया, जो टॉप है उसका, ये चीज़ अगर यहाँ आ गई या थोड़ा आगे ज़्यादा चली गई, तो हमारी गाड़ी बैक मारने लगेगी और गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, गाड़ी की स्टार्टिंग रखनी है इस जगह पे। एक बार दिखा, दोबारा से दिखाता हूँ, देखिए जहाँ से ये कट चालू हुआ और जहाँ पे कट ख़त्म होता है, मतलब जहाँ से पॉइंट खुलना शुरू होता है, ठीक उसी जगह पे हमें पॉइंट को रखना है और गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल A1 रहेगी। एक बार मैं फिर से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल करके दिखाता हूँ, और देखिए गाड़ी एक किक से स्टार्ट होगी या एक हाथ से कह सकते हैं स्टार्ट होगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल सेटिंग बिल्कुल ओरिजिनल रख दी है, और आपको बताता हूँ अगर कभी आपको सेटिंग करनी हो, तो ये रहा पॉइंट का अंडरकार, जो अंदर का गवर्नर होता है, गवर्नर का जो बिल्कुल पॉइंट होता है जहाँ पॉइंट खुलता है, इस कोने में बंद होना चालू होता है और इस कोने में खुलना चालू होता है, जहाँ पर पॉइंट खुलता है जस्ट वहीं पर इसका हमारा पॉइंट का नीचे का हिस्सा टॉप रखना है, और पॉइंट प्लेट को बीचों बीच में सेट कर दें और गवर्नर को यहाँ से, ठीक है। और छोटा मोटा अगर आपको एडजस्ट करना है, तो ये 10 नंबर का बोल्ट इसको ढीला करके सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मोमेंट दिखेगी आपको, ठीक है, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये खुलता है, ये इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो ये रहा, और पॉइंट का गैप हमारा एक आरी के ब्लेड के बराबर होना चाहिए, जो इसका गैप है ये एक आरी के ब्लेड के बराबर, यहाँ पर अगर ज़्यादा होगा तो गाड़ी बैक मारती है और स्टार्टिंग में परेशान करती है, ठीक है। और अभी मैं एक बार आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि अब हमारी गाड़ी किस तरह स्टार्ट हो रही है। एक बार दोबारा टाइट कर लेते हैं सारे बोल्ट, और अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं हमारी। तो आपने देखा गाड़ी अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास दोबारा से वैसी हो गई जैसे पहले थी, और इवन क्या उससे भी अच्छी हो गई, क्योंकि साउंड देखिए आप बदल चुका है गाड़ी का,
और आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक बार सही करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आप खुलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, पॉइंट के साथ सेट करना है, कैसे गाड़ी बैक मारती है, गाड़ी घुटती है, कैसे सेट करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे कोई चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ सीखने के लिए आपको खुद उसमें हाथ डालना पड़ता है, तभी आप सीख पाएंगे। तो फिलहाल मेरा एक मकसद था कि आप लोगों को एक पॉइंटों पर वीडियो बना के बता सकूँ कैसे सीख किया जाता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।